भाई साहब नमस्कार जी। सत जी अंकल, सत श्री अकाल, नमस्कार। श्री अकाल जी। तो आप क्या नाम क्या है जी आपका? कहाँ मेरा नाम योगेश्वर जोशी है, के रहने वाले हो? बांसवाड़ा बांसवाड़ा, राजस्थान। राजस्थान। तो कितना टाइम से आपने डेयरी स्टार्ट की है? अंकल मुझे 15 मई को मैंने स्टार्ट की है, लगभग 10 से 11 महीने हो गए हैं। 10 से 11 महीने हुए। तो सारी जाफराबादी लाए हैं आप? जी अंकल, सारी जाफराबादी है। अंकल तो जाफराबादी का शौक कैसे लगा आपको? लंबे टाइम से मैं फार्म करना चाह रहा था, अच्छा। मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड बिल्कुल नहीं है, अच्छा जी। तो गाय का करना चाह रहा था, लेकिन हमारे यहाँ पे दूध की कीमत भी नहीं है और जर्सी गाय का दूध कोई लेता नहीं है। एचएफ का 15 से 20 रुपए लीटर की भी रेट नहीं है यहाँ पे गाय के दूध की। अच्छा। फिर मैं बफेलो में लाना चाह रहा था, नीली रावी और जाफराबादी, तीन ब्रीड ऐसी है जो ज्यादा दूध हैवी मिलकर है। तो हाँ जी, हाँ जी। बहुत रिसर्च के बाद मैं आपके यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे जो आप अक्सर भरूच के पास बनाते थे, वो देख करके, और मेरे एक फ्रेंड हैं आलोक मुखर्जी जबलपुर एमपी के, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे। और एक गुरजीत सिंह करके हैं, ढिंसा डेयरी फार्म है अंबाला के पास में, उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया और बहुत हेल्प की। मैं उनके फार्म पे भी विजिट किया हुआ हूँ, दिनसा डेयरी फार्म है जो गुरजीत सिंह करके अंबाला के पास। तो अब ये आपके पास में सारी कितनी भैंस है जाफराबादी? मेरे पास 9 भैंसे हैं और 1 बूल है। अच्छा, 9 भैंसे 1 बुल। तो मैक्सिमम दूध वाली कितने लीटर वाली निकली आपकी भैंस? जी अंकल, मेरे पास 12 लीटर, 13 लीटर से लेकर के और 22 लीटर तक की बफेलो है। 22-23 किलो आपके पास ज्यादा से ज्यादा दूध निकला है। जी बिल्कुल अच्छा, तो इसका कभी फैट वगैरह भी चेक करवाया गया? जी अंकल, मेरा फैट लगभग 7.5-8, 7.5-8 आता है 7.5-8 की एवरेज है सारी डेयरी की। जी अंकल। और दूसरी बात यह है कि मेरे पास ग्रीन फोल्डर बिल्कुल नहीं है, सारा खाली फीड और तूड़े पे है, गेहूं के भूसे पे। अगर ग्रीन होता तो नहीं, शायद, ग्रीन होता तो शायद और अच्छे से मिल्किंग हो पाता। ग्रीन से तो बढ़ता ही है दूध ही। देखो, ग्रीन का तो पक्की बात है, ग्रीन से तो दूध बढ़ता है। जो आपका 22 किलो 23 किलो है तो वो कम से कम 26 किलो जाना चाहिए, 28 किलो जाना चाहिए। ये ड्राई में, अच्छा, ये ड्राई में कितने टाइम की प्रेग्नेंट होगी ये? ये 5.5-6 से 7 महीने तक की प्रेग्नेंट है ये चारों बफेलो। अच्छा। ये 22+ वाली, ये वाली बफेलो है, अमरेली ब्रेड लाइन की है। हाँ, अमरेली की है और ये 22 किलो से ऊपर दूध दिया है बिना ग्रीन फोल्डर के। इसका बिना ग्रीन फोल्डर, इसका 10वें दिन का दूध 11 किलो 700 ग्राम था, मॉर्निंग का, एक टाइम का, अच्छा। 10वें दिन का, मॉर्निंग का एक टाइम का दूध 11 किलो 700 ग्राम कांटे से तुला हुआ। तो अब ये आज जैसे 6 महीने की गैपन है तो ये ब्याई हुई टोटल कितने टाइम की हो चुकी है? ब्याई हुई लगभग 10 महीने की हो गई है, अभी दूध है कितना होगा इसके नीचे? दूध अभी 6.5 से 7 किलो दूध दे रही है, एक टाइम में? नहीं पूरे दिन का, क्योंकि अब मैं इसको ड्राई करना इसलिए चाह रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम के लिए बहुत अच्छी इसको बनाना चाह रहा हूं मैं, हाँ, 2 महीने तो कम से कम होना ही चाहिए ना। इसलिए मैं इसको जल्दी ड्राई करना चाह रहा हूं। इसलिए अभी फीडिंग भी 5-7 दिन से उसको कम कर दिए कि एक बार ड्राई हो जाए। अभी ये 3.5 साल का बच्चा है, 6 महीने से सर्विस स्टार्ट की है इसने। ये कहाँ से लेके आए थे? अच्छा, सर ये मैं प्योर जाफराबाद, अमरेली से भी आगे जाफराबाद करके प्लेस है, वहां से लेके आया, फोकर लगा रखे हैं मैंने। फोगल लगा रखी है, बहुत बढ़िया बात है। इसका 16 किलो दूध था जब ब्याई थी तब, इसका 16 किलो दूध था। अच्छा, ये काफ है। तो ये इस साल जो आपके पास पूरी भैंसे खाली तो कोई नहीं है इसके अंदर? नहीं, सारी या तो प्रेग्नेंट है या फिर न्यू काविंग वाली है। अच्छा, मतलब एक जो लोग और जो बोलते प्रेग्नेंट, हैं ऐसा बोलते हैं भाई ये खाली रह जाती है, ऐसे आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं आई है? नहीं अंकल, बूल आया उसके पहले ही मैंने, एक फेमस एसएजी का बूल है,
जय बारा एक फेमस बूल है एस जी का, जय बारा उससे सारी प्रेग्नेंट है पुरानी जी। बूल आया उसके बाद एक बफेलो प्रेग्नेंट करवाई है खाली मैंने जी। एक मिल्किंग बताता हूँ मैं, अभी पूरी मिल्किंग करवाऊंगा और उसका वजन करवाऊंगा। ये कितने दिन की? हेलो जी अंकल, ये कितने दिन की ब्याई होगी वैसी है? ये सवा महीने की ब्याई है। सवा महीने की है जी। कितना दूंगा अभी लगभग? ये अभी दे रही है अंकल 6.5 लीटर। 6.5 लीटर एक टाइम में? एक टाइम में दे रही है क्योंकि ये ब्याज से ही 2 दिन हुए थे। अच्छा। और गाड़ी में आई तो बीमार हो गई थी, उस कारण से वो दूध टूट गया उसका। हाँ वो फिर नहीं आता। लगभग 8-10 दिन तक उसको बैठी रही और फिर, लेकिन फिर भी 6.5 लीटर कर रही है एक टाइम में। 13 किलो 2 टाइम में दे रही है अभी। ये कितना दूध देती है जी? ये टाइम का 8 लीटर। 8 लीटर कितने दिन टाइम की ब्याई होगी है? ये हो गई है 1.25 महीने की। 1.25 महीने की तो जी। खरीद कितने की हुई थी ये जी? ये खरीद कितने की हुई थी? ये खरीद हुई थी 1.45। 1.45 तो जी। कहाँ से खरीदी थी 1.45 की? ये भावनगर ब्लड लाइन की है। अच्छा, भावनगर से आई थी है जी। अच्छा।